हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे हम आलोक इंडस्ट्री के बारे में, जो फिलहाल 28.45 पे ट्रेड कर रहा है। उसमें आज के दिन देखा जाए करीब 4 से 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है आपको इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। स्टॉक को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, जिसके चलते ये स्टॉक आपको लगातार गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो न्यूज की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप देखेंगे निफ्टी, देखते हैं निफ्टी 22,453 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। आज की दिन अगर आप देखेंगे देखते हैं निफ्टी में करेक्शन आया था, फिर से मार्केट रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से करेक्शन आता है तो आपको घबराना नहीं है। जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फंडामेंटल वाले, जिनको आपने ऊपर की प्राइस पे बाइक कर लिया, उनको आराम से आपको होल्ड करना, लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जिनको आप पहले बाइक करने से रह गए थे, उनको आपको बाइक करने का फिर से मौका मिलने वाला है। और अगर आप किसी शेयर में फंसे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसमें वीडियो बनाने की। वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आपका कमेंट रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। और अगर आप किसी शेयर को बाय करने की भी सोच रहे हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, आलोक इंडस्ट्री की तरफ। अगर आप देखेंगे 5 दिन के अंदर तो 3 से 4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 1 महीने के अंदर देखेंगे तो 1 से 1.5% रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो अभी भी देखते हैं 51% स्टॉक रिटर्न दे चुका है। स्टॉक अच्छा खासा हाई बनाया था जो था करीब 37.50 का, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और मैंने लगातार कहा था आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये भी कमेंट करते हैं कि सर आलोक इंडस्ट्री को बाय करें या ट्राइडेंट को। तो मैंने आपको सीधा कहा था कि आलोक इंडस्ट्री में वो बात नहीं है जो कि ट्राइडेंट में है। चाहे आप मार्केट के वाइज देखें, चाहे उसके सेल्स वाइज देखें, चाहे उसके प्रमोटर होल्डिंग वाइज देखें, सबसे अच्छा आलोक इंडस्ट्री से अच्छा ट्राइडेंट ही है। और ट्राइडेंट को वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें लगातार FIIs, DIIs, गवर्नमेंट, अदर सभी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर स्टॉक में देखें तो सेल्स उतने अच्छे नहीं है अगर आप ट्राइडेंट से कंपेयर करते हैं। बस स्टॉक में तेजी आई है वो मुकेश अंबानी की वजह से। उनको एक टेक्सटाइल कंपनी चाहिए थी, उनने इस कंपनी को एक्वायर किया और इस वजह से आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। अगर आप एक साल में देखेंगे अभी भी 132% रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो करेक्शन आते हुए आपको देखने को मिल सकता है वो आपको बहुत ही अच्छा खासा आते हुए देखने को मिल सकता है। स्टॉक आराम से आपको 20 रुपये तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो स्टॉक जैसे 77% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और यही इसका मैक्स भी है। स्टॉक लिस्ट हुआ था 16.05 पे, एक अच्छी खासी तेजी आई थी। फिर जैसे स्टॉक साइड में ट्रेड करता, फिर स्टॉक ने अच्छा खासा लो बनाया था जो था करीब 11 से 12.70 का, और वहां से एक अच्छा सा तेजी आपको वापसी देखने को मिल रही है। वहीं अगर आपका सेल्स देखेंगे, मार्केट में 14,128 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है इसके प्राइस के हिसाब से। पर इसका ROCE वहीं इसका बुक वैल्यू दोनों ही माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। वहीं अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो देखते हैं गणेश हो गया, सियाराम सिल्क को, ऐसी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही है। उनके हिसाब से आप ROCE देखेंगे उसका माइनस में देखने को मिल रहा है, -6.86। तो ये बहुत ही खराब बात है कि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। वहीं अगर आप इसका सेल्स देखेंगे, मार्च 2011 में 6,615 था, जो कि फिलहाल मार्च 2023 में 6,937 हो चुका है। तो यहाँ एक तरह से देखिए तो सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिला है, पर बहुत ही कम बढ़ा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। और पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो घटते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। 7,300 के आसपास था, जिसने घट चुका है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे जो कि 787 था, जो कि फिलहाल -27 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। कैश फ्लो देखेंगे तो माइनस में ही देखने को मिल रहा है, पहले -528 था, अभी -3 है, पर माइनस में है, जो कि बहुत ही खराब है। वहीं आप इसका शेयर पैटर्न देखेंगे, मार्च 2021 में 75 था, जो कि फिलहाल 75 ही देखने को मिल रहा था। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ लगातार बरकरार देखने को मिल रही है और देख सकते हैं यहीं पे लिया था रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने एंट्री, और इस वजह से आपको उसमें तेजी देखने को मिली थी। और देखते हैं अभी 75 का 75 ही देखने को मिल रहा है। FIIs की 4.39 थी, जो कि फिलहाल 2.27 हो चुकी थी। FIIs लगातार निकलते हुए देखने को मिल रहे, जो कि बहुत ही खराब बात है। फोर इन्वेस्टर की बात अगर आप DIIs की देखें तो 6.52 थी, जो कि फिलहाल 0.37 हो चुकी थी। यहाँ DIIs भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक की 60.06 थी, जो कि फिलहाल 22.39 हो चुकी है। तो शेयर होल्डर पैटर्न उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, फंडामेंटल बहुत ही खराब है। पर्सनली इन्वेस्टरों को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी अगर आप इसको बाय करने की सोचे तो आप जरूर से कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।